गाइस वेलकम टू माय चैनल, मैं हूं रोनिक एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड 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 बेटा बेस्ट। और हमें हमेशा बेस्ट ही रहना चाहिए। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं शॉर्ट कुर्ती हॉल, जिसको मैंने मीशो से और अमेजोन से नहीं फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। बहुत सारी कुर्ती, मजा आएगा। और मैं बहुत ही जल्द आपके साथ ना अर्बेनिक हॉल भी शेयर करने वाली हूँ, अलीना के रिक्वेस्ट पे, मुझे सब याद रहता है। और मैंने कुछ कुछ ड्रेसेस तो ऑर्डर कर भी दिए, वो आ जाएंगे और थोड़े से बाकी है तो वो आ जाएंगे, तब मैं अर्बेनिक हॉल भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। फिलहाल इसको एंजॉय करो, ठीक है? तो वीडियो स्टार्ट करेंगे, बट उसके पहले आप करोगे मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो क्या करो, ये मेरी इंस्टा की आईडी है। और अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहली जो शॉर्ट कुर्ती मैंने ऑर्डर की है वो ये वाली है, और ये कुछ तुलसी इंटरप्राइजेस की वुमेन स्टाइलिश न्यू एम्ब्रॉयडरी शॉर्ट कुर्ती है, जो कि जॉर्जेट वाले कपड़े में आती है इस तरीके से। इसके पहले मैंने एक कुर्ती शेयर की थी, वो पिंक कलर की थी, लेकिन वो ना थोड़ी सी हैवी थी, उसका तो काम था ना वो काफी अच्छा था। इसका थोड़ा सा लाइट है, लेकिन फिर भी वो अपनी जगह और ये अपनी जगह है, तो ये कुछ ऐसी ही दिखती है। और मैंने सारी कुर्ती को ना स्मॉल साइज में ऑर्डर किया है, क्योंकि मेरा साइज स्मॉल ही है। अच्छा लग रहा है, ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन तो सदा बाहर है, चलता ही रहता है, कभी खत्म नहीं होएगा और अच्छा भी लगता है ना। तो मैंने इसको स्मॉल साइज में ऑर्डर किया है, और इसका जो फैब्रिक है ना वो जॉर्जेट है, और इसकी जो स्लीव है वो 3/4 है, लेकिन मुझे ये 3/4 से थोड़ी ज्यादा बड़ी लग रही है। वेयर करने के बाद काफी अच्छी लगेगी, आफ्टर शॉर्ट्स में आप चेक करो। आप इसको ना व्हाइट कलर के जो पैंट आते हैं ना उससे भी पेयर अप कर सकते हो। ब्लैक और ब्लू का कॉम्बिनेशन ही बहुत अच्छा लगता है, तो ब्लू के साथ भी आप जा सकते हो। एंड इसके साथ मैंने ब्लैक कलर का इनर भी वेयर किया था, बिकॉज ये थोड़ी ज्यादा छोटी पड़ गई मुझे, बस यहाँ तक का इसका डबल कपड़ा है और उसके बाद पूरा नीचे से सब दिखता है आर पार। हल्का सा मुझे और चाहिए था नीचे तक का, लेकिन नहीं आया, तो इनर का सहारा लेंगे हम, ठीक है? और इसका जो स्टिचिंग है वो भी काफी सही है, कहीं से भी कोई भी थ्रेड वगैरह नहीं निकल रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। एंड आप यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे आपको डोरी मिलती है, अगर ये हल्की सी ढीली वीली हो रही तो आप यहाँ से इसको फिट कर सकते हो आराम से। और आप इसकी ना एम्ब्रॉयडरी चेक करो, ये प्रिंटिंग नहीं है, व्हाइट कलर के थ्रेड से इसको बुना गया है, तो ये काफी अच्छा लग रहा है देखने में, है ना? ऐसे ही आपको पूरे फ्रॉक पे थोड़ी थोड़ी हर जगह प्रिंटिंग मिलती है, स्लीव्स पे भी है, और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार स्लीव्स पे। तो मेरी तरफ से तो बिल्कुल पास है, अगर आप इसे परचेज करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो। और अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट कुर्ती। इसके बाद जो चीज मैंने ऑर्डर की ना, वहाँ पे इसके नाम में कुछ लिखा ही नहीं था, सिर्फ टॉप लिखा हुआ था, तो मैं भी इसको सिर्फ टॉप ही बोल रही हूँ। और ये कुछ ऐसा सा आया था, एंड मैंने ना इसको मीडियम साइज में ऑर्डर किया था, क्योंकि ना वहाँ पे और कोई साइज था नहीं। आप यहाँ पे चेक करो। एक और चीज मैं आपको बता दूं, मैंने इसको पेयर किया था बेल्ट के साथ, वो बेल्ट भी मैं आपको दिखा दूंगी, तो आप ये चेक करो। ऐसा आता है हमारा ये टॉप, जिसके अंदर ब्लू ग्रीन व्हाइट ऐसे कुछ प्रिंटिंग में मिला है। इसका जो पैटर्न है ना वो प्रिंटेड पैटर्न है, और आपको ना इसमें लॉन्ग स्लीव मिलती है, और आप ये चेक करो। और यहाँ पे आपको मिलता है कॉलर, एंड मुझे कॉलर वाले कपड़े बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्यों, ऐसा लगता है ना कनेक्शन है मेरा कुछ कॉलर वाले कपड़े। आपको पूरे फ्रंट में ना पूरा फ्रंट ओपन होता है, सबसे पहले बात तो बटन लगे हुए हैं, तो आप ये चेक करो। यहाँ पे आपको मिलती है फ्लेड वाली डिजाइन, और काफी ज्यादा घेर है इस फ्रॉक के अंदर, नीचे ही नीचे है, ऊपर नहीं है, ठीक है? और बैक से ये बिल्कुल प्लेन है, लेकिन आपको बता दूं मैंने इसको पेयर किया था बेल्ट के साथ, और वो बेल्ट मैं आपको बता देती हूँ, ये बेल्ट मैंने लोकल मार्केट से परचेस की है, तो मैं आपको इसका लिंक या फिर कोड नहीं दे पाऊंगी, तो मत मांगी हो, ठीक है? और ये ऐसी बेल्ट है, मैंने आज तक पहले कभी नहीं यूज किया यार ऐसे बेल्ट, इस बार ना मुझे कुछ नए नए वो आ रहे, चस्के चढ़ रहे फैशन के, काफी सही है। पीछे से ना ये इलास्टिक वाली है, मैं इसके बारे में इतना ज्ञान क्यों दे रही हूँ यार, इस पे फोकस करो। एंड इसका प्राइस था कुछ 268 रुपीज, जो कि अगेन काफी अफोर्डेबल है। तो गाइज अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन। और अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉप, शॉर्ट टॉप। अब मेरे पास बहुत ही ज्यादा ट्रेडिशनल टाइप का शॉर्ट कुर्ता है, मैं आपको दिखा देती हूँ और आप ये चेक करो। और मेरे पास ऐसे कलर के ना बहुत कम ड्रेसेस है ही नहीं, कम क्या है, कुछ भी, तो आप ये चेक करो। मैंने इसको स्मॉल साइज में ऑर्डर किया था, और इसका जो फैब्रिक है ना वो रेयॉन है, प्रिंटिंग की गई है इसके ऊपर, और इसकी जो स्लीव्स है वो है 3/4। वाओ, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा काम करके मिलता है, यहाँ पे अलग है और यहाँ पे अलग है, थोड़ा सा एफर्ट डालो चीजें कितनी अच्छी लगती है। तो आराम से आप इसको किसी भी जीन्स के ऊपर पैर करो, या फिर फ्लैट पैंट होती है उस पर पैर कर लो, सब पे अच्छी लगेगी। यहाँ पे आपको मिलती है डोरी शो पीस के लिए, क्योंकि सब कुछ तो ढका ही है। यहाँ पे आपके वेस्ट के पास ना आपको यहाँ पे चुन 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 वाला फॉर्मेट मिलता है, चुन 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 तो आप ये चेक कर लो, अच्छी खासी चुन दी गई है यहाँ पे, अच्छा लगता है ऐसा। और एक और बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि पीछे ना बिल्कुल प्लेन है, नहीं तो ना ज्यादातर जो टॉप होते हैं छोटे छोटे उसमें ना यहाँ पे लोग इलास्टिक लगा देते हैं और फिर वो बहुत अजीब सा दिखता है पीछे से, लेकिन नहीं, ये प्रॉपर शॉर्ट कुर्ता है। और इसका जो प्राइस है वो है 255 रुपीज, जो कि अगेन बहुत ही ज्यादा चीपेस्ट है, बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। मस्त पैर करो ब्लू जीन्स के ऊपर, और
आग लगा दो। तो अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो यू कैन। और अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉप। इसके बाद मेरे पास बहुत ही कैजुअल सा एक टॉप है ब्लैक कलर का, वो मैं आपको दिखाती हूँ। एंड मैंने ना ये टॉप को फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, और मैं आपको बता दूँ इसका जो फैब्रिक का मटेरियल है वो है रेयॉन और काफी सॉफ्ट है। ये हल्का सा ना ट्रांसपेरेंट सा दिख रहा है, लेकिन ब्लैक कपड़ा चलता है ना, पता नहीं चलता है उतना। इसकी जो स्लीव्स है वो है 3/4। ऑफिस जाते हो, कॉलेज जाते हो, जहां भी जाते हो आराम से आप इसको पहन सकते हो, या फिर घर में रहते हो ना तब भी आप पहन सकते हो। काफी सॉफ्ट है, आरामदायक चीज है ये। एंड आप ये चेक करो, मैंडरिन कॉलर है इसका, जो कि अगेन बहुत अच्छा लगता है मुझे ऐसा कॉलर। और आप ये चेक करो, यहाँ पे आपको मिलते हैं बटन सिर्फ और सिर्फ शो के लिए, है ना, शो ही है ना, हाँ सिर्फ शो है, लगाने का कोई सीन नहीं है यहाँ पे। और आप ये चेक करो, बैक साइड से बिल्कुल प्लेन है, काफी अच्छी है, कैजुअल टॉप है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था इसलिए फटाक से मैंने इसको ऑर्डर कर लिया। एंड मैं आपको इसका प्राइस बता देती हूँ, तो ये मुझे मिला था 291 रुपीज का, जो कि थोड़ा सा महंगा लगा मुझे ये। अगर ये 250 का भी होता ना तो बात उतनी सख्त नहीं होती, हम समझ लेते हैं। हाँ ठीक है, इसकी क्यूटनेस के पैसे ले लिए आप लोगों ने। क्योंकि अच्छा लग रहा है ना ये देखने में। कॉलर देख के मैंने इस टॉप को परचेस किया है, और मेरी जो लिपस्टिक है वो काफी मैच नहीं हो रही मेरे ये वाले टॉप से। मैं आपको बता दूं, मैंने अप्लाई की है ये इनसाइट मेकअप एसेंशियल की लिपस्टिक, हल्का सा टचअप कर लूं। ओहो कितना अच्छा लग रहा है ना कलर, पिंक 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 पिंक। तो मैं इस लिपस्टिक को टैग कर दूंगी, इसको ही नहीं और भी जितनी इनसाइड की लिपस्टिक है ना जो मुझे अच्छी लगती है, मैं उन सारी लिपस्टिक्स को टैग कर दूंगी। अगर आप परचेस करना चाहते हो तो व्यू प्रोडक्ट पे जाके परचेस कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, अगर आप इस टॉप को भी परचेस करना चाहते हो तो यू कैन। और अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉप। ओके, तो इसके बाद मेरे पास है ये वाला टॉप, और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था यार। ये टॉप नहीं है, ये ना एक टाइप का मतलब पूरा फुल एकदम शॉर्ट ड्रेस कैसी होती है, जैसे बीचों में लड़कियां पहनती है छोटे छोटे से कपड़े, बिल्कुल वैसे ही है ये। तो आप इसको चेक करो, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था यार। फोटो में ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने इसको ऑर्डर कर लिया। कलर और डिजाइन ना एकदम कातिल आना है, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये है ग्रीसी लुक्स का वुमेन रेयॉन फ्लोरल प्रिंटेड शॉर्ट बीच वेयर वेस्टर्न ड्रेस, तो काफी मस्त लगेगा वेयर करने के बाद, शॉर्ट शॉर्ट वाली वाइब्स आएगी। लेकिन भैया हम तो इसे जीन्स के साथ ही पेयर करेंगे, क्योंकि अगर ऐसी पेयर कर लिया तो हम भी शॉर्ट हो जाएंगे। शॉर्ट हो गई रौनक। फैब्रिक मैं आपको बताती हूँ, इसका रेयॉन है, लेकिन ऐसा लग ही रहा है कि ये रेयॉन फैब्रिक का है। एकदम उच्च क्वालिटी का जो रेयॉन होता है ना, वो फैब्रिक का ही हमें मिला है। और आप इसकी प्रिंटिंग वगैरह चेक करो यार, चल रहा है ना यहाँ पे आफ्टर शॉट, वहाँ पे चेक करो कितना अच्छा लग रहा है। वाह 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 वाह। यहाँ पे आपको मिलती है इलास्टिक, अगेन आप इसमें अच्छे से फिट हो सकते हो। और नीचे आपको मिलता है मस्त फ्लेयर, क्या बोलते हैं इसे, घेर, तो आप इसको भी एंजॉय कर सकते हो। और मैंने इसको ऑर्डर किया था साइज एस में, और इसकी जो स्लीव्स है वो काफी लॉन्ग है ऐसा इनका कहना है, और इनका कहना सही है क्योंकि काफी लॉन्ग स्लीव है यार। ये मुझे मिली थी 349 रुपीज की, 350 रुपीज की, 300 की मिलती ना तो भी सही रहता, लेकिन इसको देखने के बाद ना ऐसा फील हो रहा है कि हाँ यार अच्छी चीज मंगवा ली मैंने। डिटेलिंग वाला वर्क है इसके अंदर, आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे दो दो पट्टियां हैं इसे अच्छी दिखाने के लिए। सबसे पहले ये है छोटी सी, उसके बाद ये वाली है बड़ी सी। तो सारे टॉप मुझे काफी ज्यादा पसंद आए, इसके लिए मैंने इसको आपके साथ शेयर किया। आप मुझे कॉमेंट करके बताना कि आपको सबसे ज्यादा बेस्ट टॉप कौन सा लगा। एंड अगर आपको ये वीडियो किसी भी रीजन से पसंद आया हो तो डू लाइक इट, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे चाहते हो ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड गाइस।